हेलो और नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल क्रिटिकल एनालिटिकल शिव पर। आप सबका प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्या आप इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? पेश है क्रिटिकल एनालिटिकल रिव्यू द एकोलाइट। ये सीरीज डिज्नी हॉटस्टार पर प्रसारित हो रही है। तकरीबन 8 एपिसोड है। स्टार वॉर्स फिल्म की फ्रेंचाइजी की स्पिन ऑफ सीरीज है। जब से मैंडलोरियन की सफलता हुई है, उसके बाद तो डिज्नी वालों ने स्टार वॉर्स को बनाने और मुनाफा कमाने का जरिया बना लिया है। स्टार वॉर्स के हर कैरेक्टर पर इंडिविजुअल बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई जा रही है। स्टार वॉर्स 1970 के दशक में आई थी और उस वक्त ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी बहुत सीमित थी। अब कंप्यूटर ग्राफिक्स के जमाने में शानदार ग्राफिक्स के जरिए ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जो आप पॉपकॉर्न खाते हुए बिना ज्यादा दिमाग लगाते हुए दिमाग की स्विच बंद करके देखो और एंजॉय करो बस। ये सीरीज स्टार तो हमारे हिसाब से आप इसे स्किप कर सकते हो। स्टार वॉर्स फिल्म की इवेंट से बहुत पहले के वर्षों की कहानी है, जिसमें कि जेडाई ऑर्डर और गैलेक्टिक रिपब्लिक के बीच शांति समझौता है और संघर्ष विराम है। इस कहानी में बताया गया है कि कोई एक हत्यारा है जो घूम घूम कर जेडाई योद्धाओं को मार रहा है और किसी तरह से शांति समझौते को तोड़ना चाहता है। जेडी मास्टर इंदिरा को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तब उनके मेंटर सोल इस मामले में तहकीकात जांच पड़ताल शुरू करता है और एक बहुत बड़ी कंस्पायरेसी षड्यंत्र का पता चलता है। यही इस सीरीज का मूल सारांश है। बात करें हमारे एक्सपीरियंस की तो जैसा कि पुरानी भी जो सीरीज आई है स्टार वॉर्स स्पिन ऑफ वाली, उस हिसाब से यहाँ भी बढ़िया तरीके से स्पेस यूनिवर्स स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष की घटनाओं को दिखाया गया है। विचित्र कॉस्ट्यूम सेट डिजाइन आदि मनमोहक लगते हैं। रंग बिरंगे बैकग्राउंड का इस्तेमाल भी ठीक लगता है। आपको स्टार वॉर्स की अंतरिक्ष की दुनिया में फिर से ले जाने में सफल रहता है। हालांकि कहानी और पटकथा रिपीट है, घिसी पिटी है और बहुत साधारण है, तो उसे हिसाब से इसमें कुछ बहुत नया नहीं है। ये कहानी स्टार वॉर्स और उसकी जो स्पिन ऑफ सीरीज एक के बाद एक डिज्नी की फैक्ट्री से निकल जा रही है, उसमें ही एक साधारण सी कहानी है और आप इसे अगर नहीं भी देखोगे तो कुछ खास मिस नहीं करोगे। हम इसे देखने के लिए रिकमेंड तो नहीं कर सकते। सीरीज का कैरेक्टर डिजाइन, आर्ट डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिजाइन, एक्शन, लाइटिंग, एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी साधारण ही लगा है और कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लगा। अंतरिक्ष विमान, लाइटसेबर्स, पॉलिटिक्स, ड्रामा, विचित्र प्लैनेट्स, विचित्र कैरेक्टर, एलियंस, साइबॉर्ग साधारण ही है और कभी कभी तो बोरिंग भी हो जाते हैं। ये सीरीज एक कैट एंड माउस मर्डर स्टोरी मिस्ट्री थ्रिलर टाइप ड्रामा है, जिसे कि अंतरिक्ष की दुनिया में दिखाया गया है। हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपने ये फिल्म सीरीज को देखा हो तो आपको कैसे लगा, आपके ओपिनियन नीचे कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों अभी का हमारा टारगेट है 1,00,000 सब्सक्राइबर्स जोड़ने का और चैनल को वेरीफाई करने का, जिससे हम और अधिक मनोरंजक वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो क्या आप इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे अन्य वीडियो भी देखें। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।